हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में अपने बात करें रीट के पासिंग नंबर, आपको कितने नंबर लाने होंगे। इस वीडियो में आपको पूरी चर्चा करेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन आता है इसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको रीट से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको अपने चैनल पर समय समय पर मिलती रहेगी। और किसी भी प्रकार के अगर हमारे से कोई भी अगर आप सहायता चाहते हो तो हम जरूर करेंगे, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना और हम इसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। अब चलते हैं, अपने बात करते हैं पासिंग नंबरों का। इस तरह से किया गया है निर्धारण दोस्तों, किस प्रकार निर्धारण किया गया आप सभी के सामने आप देख लीजिए। यानी सामान्य और अनारक्षित है वो 60 नंबर, टीएसपी व नॉन टीएसपी, और अनुसूचित जनजाति एसटी 55 नंबर है, ठीक है। नॉन टीएसपी 36 नंबर, टीएसपी अनुसूचित जाति एससी ओबीसी एमबीसी व आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 55 नंबर, नॉन टीएसपी व टीएसपी व समस्त श्रेणियों की विधवा और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50 नंबर, और टीएसपी व नॉन टीएसपी दिव्यांग के लिए 40 नंबर, टीएसपी व नॉन टीएसपी और शहरीय जनजाति के लिए 36 नंबर, टीएसपी व नॉन टीएसपी, ठीक है। दोस्तों आगे की कोई लेटेस्ट अपडेट होगी तो आपको अपने चैनल पे सबसे पहले मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ये दोस्तों को भी शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करना ना भूले। चलिए, आप सभी को पता है ये आपको, यानी इसका तो आप सभी को पता होगा, रेट लेवल प्रथम के लिए आवेदन आज से अंतिम तिथि 20 तक बढ़ाए, ठीक है। तो दोस्तों आगे की जो अपडेट आगी आपको सबसे पहले अपने चैनल पर बता दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और पास में बेल आइकन आता है उसे दबा लीजिएगा, ताकि आपको रीट से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू, ओके, बाय।